एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये YMCA का MSc फिजिक्स का 2022 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू डाल रही हूँ। एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम इन क्वेश्चंस का सोल्व करवाइए और इनके सॉल्यूशन आपने देखा होगा, कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी डीप में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। इवन आप MSc कर जाते हो और ये नेट के लेवल के क्वेश्चन भी कई पूछे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, इफ द एक्साइटिंग लाइन इन रमन इफेक्ट इज 5460 एंगस्ट्रॉम एंड द स्टोक्स लाइन इज एट 5520 एंगस्ट्रॉम, देन द वेवलेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंटी स्टोक्स लाइन्स इन 5400 एंगस्ट्रॉम, 5490 एंगस्ट्रॉम, 5580 एंगस्ट्रॉम, 5550 एंगस्ट्रॉम। देखिए वेव नंबर क्या है एक्साइटिंग लाइन का, न्यू बार से आप डिनोट करोगे और न्यू बार आपको पता है क्या होता है, बेसिकली न्यू बाय सी, और ये किसके इक्वल होता है, 1 बाय लैम्डा के इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 बाय लैम्डा रखिए आप, जो गिवन वेवलेंथ थी जो आपने लाइट डाली थी इस वेवलेंथ की, 1 डिवाइडेड बाय 5460 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, दैट कम्स आउट टू बी 18315 सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ वेव नंबर ऑफ स्टोक्स लाइन दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5520 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 18116 सेंटीमीटर इनवर्स। अब स्टोक्स लाइन का वेव नंबर निकाल लिया, आपको निकालना है डेल्टा न्यू, चेंज इन वेव नंबर। कैसे निकालोगे, ये लाइट डाली थी, ये स्टोक्स लाइन की मिल रही है 18315 − 18116, दैट इज इक्वल टू 199 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वेव नंबर जब आप निकालते हो डेल्टा न्यू, तो ये ऐसे ही फॉर्मूला होता है, जो है आपकी गिवन वेवलेंथ है माइनस स्टोक्स लाइन की है। इसी तरह से अब आप एंटी स्टोक्स का निकालोगे तो दैट इज़ डेल्टा न्यू, दैट बिकम्स न्यू बार जो कि आपने लाइट डाली थी प्लस डेल्टा न्यू आ जाता है, ये फॉर्मूला होता है एंटी स्टोक्स का। ऐसे निकालते 18315 + 199 दैट इज इक्वल टू 18514 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन आपसे पूछी तो वेवलेंथ गई है ना, तो आपको पता है डेल्टा न्यू, ये जो है लेमडा क्या हो जाएगी, 1 बाय वेव नंबर, और वेव नंबर आपका आ चुका 18514, 1 डिवाइडेड बाय 18514 दैट इज इक्वल टू 5.401 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, और यू कैन से 5401 एंगस्ट्रॉम। ये बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन जो है नेट के एग्जाम में आया था एक बार क्वेश्चन, तो आंसर हो गया 5400 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल सेम आया था। तो आप देख सकते हो किस लेवल के क्वेश्चन YMCA के MSc एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये गेट के लेवल के भी हैं, बार के लेवल के भी हैं, जेस्ट के लेवल के भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डीके इज फॉरबिडन। आई डोंट नो, ये आपके जस्ट BSc करने के बाद जस्ट पास कोर्स वाला बच्चा इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने जो है ऑनर्स पढ़ा है उसमें भी काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं, पार्टिकल फिजिक्स ऐसे नहीं आती है। तो म्यू नेगेटिव, ई नेगेटिव प्लस न्यू म्यू प्लस न्यू ई बार, ये क्या है, लेप्टोन्स हैं, म्यूनस इलेक्ट्रॉन, ये हैं न्यूट्रिनो म्यूनस के लिए, एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन के लिए। पाई प्लस म्यू प्लस न्यू म्यू, पाई प्लस ई प्लस न्यू ई, पाई नेगेटिव ई प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या पूछा गया है, ये एक्चुअली साइट पे डाला हुआ है MSc फिजिक्स का 2021 का एंट्रेंस एग्जाम करके। तो इनमें से पूछा गया है कौन सी रिएक्शन फॉरबिडन है। देखिए हम यहाँ से अलग से दिख रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन लॉज लगाइए, अगर वो डेल्टा एल जीरो आ रहा है इट मीन्स रिएक्शन इज कंजर्व। म्यू नेगेटिव, एल म्यू क्या होता है, म्यू नेगेटिव के लिए 1। इसी तरह से राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन का तो 0 हुआ, न्यू ई बार 0, आप म्यूनस के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर देख रहे हो दैट इज़ 1, 1 - 1 यानी डेल्टा एल म्यू 0। अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में 0, यहाँ आपका है -1, ये 1 है, तो डेल्टा एल ई क्या हो गया, 0, इट मीन्स दिस रिएक्शन इज़ अलाउड। जस्ट आपने इलेक्ट्रॉन नंबर के बेसिस पे डिसाइड कर लिया है कि ये रिएक्शन कंजर्व्ड है या नहीं है। पाई प्लस म्यू प्लस प्लस न्यू म्यू, यहाँ से है म्यूनस का न्यूट्रिनो के लिए 1, म्यू प्लस के लिए -1, डेल्टा एल म्यू क्या हो गया, 1 - 1 = 0। नेक्स्ट है पाई प्लस के लिए ई प्लस प्लस न्यू ई, अब यहाँ से आपका एल ई देखिए आप क्या रहेगा, पॉजिटॉन के लिए -1, न्यू ई के लिए 1, डेल्टा एल ई क्या हो गया आपके पास, 1 - 1 = 0। नेक्स्ट है पायोन्स ई प्लस ई माइनस ई माइनस, इसके लिए -1 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 1 है, डेल्टा ई क्या हो गया, एल ई आपके पास क्या हो गया, 2 - 1 दैट इज़ 1, 0 तो नहीं हुआ, इट मीन्स दिस रिएक्शन इज़ नॉट। यही क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी रिएक्शन फॉरबिडन है यानी कौन सी रिएक्शन अलाउड नहीं है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लेवल सिस्टम है आपके पास, लाइक दो लेवल्स हैं जिसमें दो एनर्जी लेवल, तो यहाँ से आपके पास दो एनर्जी लेवल्स हैं,
तो हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल है जिसकी एनर्जी E1 है, सेकंड की E2 है। दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट लेवल की डीजनरेसी 2 है, सेकंड की 4 है। और टेम्परेचर आपको गिवन है 7000 केल्विन। दोनों का एनर्जी डिफरेंस है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले मैंने बोला जहाँ भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है में है उसको आप जूल में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको क्या निकालना है, ये फर्स्ट लेवल था, ये सेकंड लेवल था, कितने पार्टिकल्स ऐसे हैं जो 7000 केल्विन पे सेकंड एनर्जी लेवल में पहुंच गए हैं। देखिए सबसे पहले तो पार्टिकल कैनोनिकल पार्टिकल फंक्शन निकालिए, समेशन ऑफ जी आई डीजनरेसी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा ई आई। क्या होती है, एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर लेवल, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट लेवल की है आपके पास जो है डीजनरेसी 2 है जिसकी एनर्जी क्या है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा E1 प्लस सेकेंड लेवल की डीजनरेसी 4 है इसकी एनर्जी क्या है E2 यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा E2। नंबर ऑफ पार्टिकल इन द एक्साइटेड स्टेट दैट इज इक्वल टू 4 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1 प्लस 4 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2। और यू कैन से 4 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा E2 2 आपने डिनोमिनेटर में कॉमन निकालिए, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा E1 प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा E2। यहाँ से क्या करेंगे आप, ये कैंसिल कर देंगे 2 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा E1 डिवाइडेड यहाँ ले जाएंगे आप एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2 प्लस 2 क्योंकि आपको एनर्जी डिफरेंस गिवन है। आप देखोगे तो E2 माइनस E1 और यू कैन से 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा इंटू E2 माइनस E1 प्लस 2 और नेक्स्ट यू कैन से 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा इंटू E2 माइनस E1 प्लस 2 और दैट इज़ फर्दर इक्वल टू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ E2 माइनस E1 बाई KT प्लस 2। यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, 2 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ एनर्जी डिफरेंस है 1, आपके पास कितना है एनर्जी 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 डिवाइडेड बाई K की वैल्यू है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट 1.38 इंटू 10^-23। टेम्परेचर है 7000 केल्विन प्लस 2 और यू कैन से 2 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ, इसको जब मैंने सोल्व किया दैट कम्स आउट टू बी 2.48 प्लस 2 2 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जब मैंने निकाली दैट कम्स आउट टू बी 11.94 प्लस 2 और यू कैन से 0.143। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए बिल्कुल आते हैं इस लेवल के आपके गेट में मार्क में, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन BSc लेवल पे पढ़ने लग जाते हो, इसको आप बोल सकते हो कि BSc लेवल का भी है और MSc लेवल का भी है। सोडियम की जो है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से 2 लाइंस मिल रही है, D1 मिल रही है, D2 मिल रही है, तो ये कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन के बीच में मिल रही है। एक्चुअली ये कहाँ से मिल रही है, 2p3/2 से 2s½ एंड 2p½ से 2s½ D1 एंड D2। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। यही पूछा था कि दोनों लाइंस हैं जो सोडियम की लाइंस, उनकी वेवलेंथ क्या है 5890 एंगस्ट्रॉम 5896 एंगस्ट्रॉम, ये कौन सी ट्रांजिशन से हो रही है। ये एक्चुअली हो रही है 2p3/2 से 2s½, 2p½ से 2s½। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है जो आर पॉइंट पे वेरी कर रही है, आर इनवर्स पॉइंट चार्ज के लिए, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्लेन इनफाइनाइट चार्ज सीट के लिए, लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ के लिए। देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है लैम्डा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है लैम्डा डिवाइडेड बाई 2π/r। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर और यू कैन सी आर इनवर्स। सो यही क्वेश्चन था कि आर इनवर्स किसके लिए वेरी करेगी, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रोजन एटम का, मैं पहले भी बता चुकी हूँ हाइड्रोजन एटम का रेडियस क्या है, वेलोसिटी क्या है या एनर्जी क्या है, तीनों चीज़ों को आप याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज VH, इफ V इज द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ पॉजिट्रोनियम देन VP इज इक्वल टू VH, VP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VH, VP इज इक्वल टू VH/2 और VP इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2 इंटू VH। देखिए VH क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, VP क्या है पॉजिट्रोनियम में। यहाँ से क्या हो रही है दोनों की वेलोसिटी जो है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती है इस पर जो है वेलोसिटी का फॉर्मूले में, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो दोनों का मास ही तो डिफरेंट था, बाकी तो सारे पैरामीटर सेम है हाइड्रोजन पॉजिट्रोनियम के, आप फॉर्मूले में देखोगे तो वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडबर्ग कांस्टेंट एटम है जिसका फाइनाइट न्यूक्लियर मास है, उसका रेडबर्ग कांस्टेंट को दिखा अल्फा इनटू आर इन्फिनिटी। आप क्वेश्चन स्टेटमेंट में देखेंगे वहाँ पे एच इन्फिनिटी है जो कि रॉन्ग है, ये आर इन्फिनिटी है।
वेयर आर इन्फिनिटी क्या है, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट है कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास, जिसमें न्यूक्लियस का मास जब इनफाइनाइट है तो रिडबर्ग कॉन्स्टेंट आर इन्फिनिटी है। आपको रेशियो निकालनी है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मास की टू द न्यूक्लियर मास ऑफ द एटम, 1 - α/α, α - 1/α, 1 - α, 1/α। रिडबर्ग कॉन्स्टेंट फॉर एन एटम हैविंग इनफाइनाइटली न्यूक्लियर मास इज आर इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू me4/8εc³c। जब न्यूक्लियस का इनफाइनाइट मास है तो रिडबर्ग कॉन्स्टेंट ये है, लेकिन अगर फाइनाइट मास है तो आपके पास रिडबर्ग कॉन्स्टेंट की क्या वैल्यू है, rm = μ(e^4) / 8εc³c, वेयर म्यू और जो है एम में क्या रिलेशन है, μ = m×M(m+m), वेयर एम स्मॉल एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल एम मास ऑफ न्यूक्लियस है। तो आपको इन दोनों की रेशियो निकालनी है, m/m इलेक्ट्रॉन के मास की न्यूक्लियस के मास की। देखिए ये रिड्यूस्ड मास क्या फॉर्मूला होता है, m×m/m, और यू कैन से कैपिटल एम कॉमन निकालिए दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, m/1+m/m। आपको क्या गिवन है, ये रिडबर्ग कॉन्स्टेंट जो है फाइनाइट जब आपके पास न्यूक्लियर मास है तो वो क्या है, α(r)∞ है। तो ये वैल्यू मैंने rm की रख दी, μ(e^4)/8εc³c, दैट इज इक्वल टू α(me4)/8εc³c। और यहाँ से एक बाकी टर्म्स तो कैंसिल आउट हो रही है, क्या आ रही है, μ = e^4 8εc³c, दोनों साइड आपके पास कैंसिल आउट हो रही है, μ = αm, और यू कैन से μ = αm। म्यू की डेफिनेशन लिखाइए यहाँ से, m/1+m/m = α(m), और यू कैन से स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो रहा है, 1/1+m/m दैट इज इक्वल टू अल्फा, और यू कैन से 1+m/m = 1/α, और यू कैन से m/M = 1/α-1, और यू कैन से m/m = 1-α/α, दैट इज़ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मास टू द न्यूक्लियर मास। तो ये क्वेश्चन था आपसे, देखिए बड़ा देखना बड़ी डेप्थ में पूछा गया है, आप जस्ट अपने बेसिक अप्लाई करते जाइए और सॉल्यूशन करते जाइए। तो ये क्वेश्चन पेपर मैंने जैसे YMCA का देखा है, दैट इज़ वेरी टफ टू ऑल ऑफ यू, लेकिन आप सॉल्यूशन जो है ज़रूर देखिए, 21 वाला रिवाइज करके जाइए, ये आपके लिए आगे के लिए भी यूज़फुल है। प्लस जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं MSc एंट्रेंस का, जो नेट का एग्ज़ाम भी देने वाले हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ओके, इसी तरह से मैं सॉल्यूशन डालती रहूँगी। थैंक यू।